वेलकम दोस्तों, मैं हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फार्मिंग एंड फन में। ये देखिए मेरे फार्म के साइड में एक बढ़िया सा यानी ड्रेनेज टाइप का फैसिलिटी है, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। और एक बढ़िया पेड़ है देखिए, यहाँ इसके नीचे हम लोग रेस्ट करते हैं। और देखिए ये मेरा कुआँ है, इस कुएँ पर दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे 4200 का लागत लगा है खोदने के लिए, ये पूरा कुआं खोदने के लिए। और देखिए यहाँ पर पानी भी पर्याप्त है, जो कि एक एकड़ लैंड के लिए बहुत ही अनुकूल है, यानी इनफ है, एक एकड़ लैंड के लिए इनफ है। ये देखिए मेरा कल्टीवेशन के लिए लैंड प्रिपरेशन चल रहा है, ये मेरा काम चल रहा है। और ये देखिए यहाँ पर एक ठो मस्त ड्रेनेज फैसिलिटी है, और यहाँ पर हम लोग जाके आराम से रेस्ट करते हैं ये पेड़ के नीचे। ये देखिए आराम से यहाँ पर हम लोग सोते हैं, बैठते हैं इसके नीचे, सोने में बढ़िया आनंद लगता है। ये देखिए टेंट है यहाँ पर, अपने लेबर लोग खाना पीना सभी रखते हैं अपना, यहाँ पर सीमेंट वीमेंट रखा जाता है, कोई रूम नहीं है इसीलिए इसी टेंट से ही काम चलाना पड़ रहा है। ये देखिए जंगल, जो कि एकदम आप कैटल रखिए यहाँ पर, गाय फिर बकरी या फिर बफेलो जो भी रखिए, यहाँ पर ग्रेजिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया ग्रेजिंग हो सकता है, एक बढ़िया फैसिलिटी है। और ये देखिए मेरा पूरा टोटल फार्म जो कि काम हो रहा है, चल रहा है ये काम। आप जो भी नए बंदे या नए दोस्त आ रहे हैं हमारे ये चैनल देख रहे हैं, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको फार्मिंग से जुड़े अच्छे अच्छे वीडियोस आप यानी मुझसे पाते रहें। और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन, जितने भी नए वीडियो है उसका नोटिफिकेशन जाता रहे। ये देखिए एक गड्ढा था, इसको जितने सारे घास फूस निकल रहा है मिट्टी विट्टी डाल दे रहे हैं गड्ढे को ढकने के लिए। और देखिए जो जो प्लांट लगे थे उनको पूरा साफ सफाई किया जा रहा है, वहाँ पर मेरा लेबर है जो कि साफ सफाई कर रहा है। ये पूरा एक एकड़ जगह है दोस्तों, मैं कम से कम बजट में कैसे ये फार्म हो सके वही सब प्रोसीजर है मेरा, कैसे कम से कम, आपको विश्वास नहीं लगेगा, ये घर और ये बाउंड्री और ये कुआं सब कुछ लागत मुझे अब तक 1.5 लाख तक लगा है, 1.5 लाख और ज़्यादा नहीं, 50-60 हज़ार का खर्चा है, पूरा अप्रोक्स 2 लाख में है ये पूरा टोटल प्रोजेक्ट का ख़त्म हो जाएगा पूरा प्रोजेक्ट। यानी कोई यानी छोटा मोटा घर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक बढ़िया आइडिया है। यह घर 20 फीट विड्थ है और 25 फीट लेंथ है इसका। देखिए एकदम विंडो बढ़िया लगाया हूँ, नया वाला है सभी, आप इससे भी कम लागत में बना सकते हैं। मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहता था इसीलिए सभी थोड़ा स्ट्रॉन्ग में ही कर रहा हूँ, लेकिन लागत का भी मेरा बजट का भी थोड़ा इशू है, लेकिन बजट में ही चल रहा हूँ मैं फिर भी। ये देखिए पास पूरा एकदम जंगल, बढ़िया चरने के लिए जगह, जो भी मेरे गाय फाय रहेंगे बकरियाँ रहेगी उनके लिए बहुत ही अच्छा जगह है। और यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत भरपूर मात्रा में है, मेडिसिनल प्लांट ज़्यादा है जंगल में, उसमें से ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये पूरा टोटल मेरा लैंड है, देखिए ये पूरे जितने सारे प्लांट लगे हैं उनको साफ़ सफाई का काम चल रहा है, घास वास पूरा निकाल रहे हैं, पूरा साफ़ सफाई चल रहा है। ये देखिए 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 पूरा साफ़ सफाई, घास वास एकदम निकाल रहे हैं, ये पूरा चांच के, उड़िया में खुड़की बोलते हैं, हिंदी में फवाड़ा बोलते हैं, उसे साफ किया जा रहा है।
बस यही है, पूरा साफ किया जा रहा है। मैं पूरा ये जो मेरा बिल्डिंग बन रहा है, घर बन रहा है, इसका बजट भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं उसके ऊपर भी। देखिए पूरा लकड़ी का मैंने खूटा सब गाड़ा हूँ मैं, जिससे कम लागत में ये बाउंड्री ख़त्म हो गया। आप भी कोई बाउंड्री बना रहे हैं तो स्टार्टिंग में ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए, ये खूटा वूटा कहीं पर मिल जाएगा लकड़ी का तो, जंगल वंगल का या फिर कहाँ पर यूकेलिप्टस प्लांटेशन होगा वहाँ का, तो यही सब खूटा यूज कीजिए। ये देखिए मेरे लेबर लोग लगे हैं, पूरा साफ किया जा रहा है ज़मीन। थैंक यू दोस्तों, एक नए वीडियो में और एक एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद, और कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपका कमेंट मुझे इंस्पायर करता है। थैंक यू, बाय।